इन 7 महीनों में इतना सब कुछ चेंज हो गया यार। मेरा यहाँ पे आना हुआ पूरी तरह बेकार। मैं 7 महीने बाद जब मैं नेहरू प्लेस में आया यार, सब कुछ चेंज हो गया। मतलब ये सर्विस सेंटर जब मैं पहुंचा, कुछ नहीं रहा यार। मतलब इससे अच्छा 7 महीने पहले था यार, वो दिन ठीक थे, अब तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया है। गाइस वीडियो पूरी देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चेंज हुआ है। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शादा व्यू पे। मैं शादा से भी हाजिर हूँ एक और मजेदार वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आया हूँ नेहरू प्लेस, और नेहरू प्लेस में एक मजेदार मजे लेने के लिए मैं सर्विस सेंटर में आया हूँ सेंट डिश की। और एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चीजों को मैं भैया करने आया, वो भी एक्सचेंज। मतलब एक दो पेन ड्राइव हो गई और एक SD कार्ड हो गए, और ये हमारा नेहरू प्लेस का पूरा लोकेशन। और चलते हैं भैया सीधा सर्विस सेंटर के अंदर, आपको दिखाते हैं कि ये क्या एक्सपेरिमेंट होगा क्या नहीं होगा। मुझे चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, लेकिन अगर हो गया तो ये काफी ज्यादा मेरा वीडियो मेरी सक्सेस हो जाएगी। और आप भी देख लेना कि आपके साथ अगर वाइस ऐसा होता है तो आप भी इस ट्रिक को आजमा सकते हो। गाइस ये चीजें जो वापस करने के लिए मैं जा रहा हूँ, एक तो हमारी SD कार्ड हो गया 8 GB की, और दूसरी हमारी 64 GB की पेन ड्राइव सैनडिस्क की, और तीसरी हमारी ये ग्रीन कलर की पेन ड्राइव जो है 250 GB करीब। इन तीनों को करने जा रहा हूँ वापस, तो देखते भैया होता नहीं होता है। तो क्या क्या इशू है आपको बता देता हूँ। हमारी जो ग्रीन कलर जो पेन ड्राइव हमारा ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसे चेंज करने के लिए जा रहा हूँ SD में, देखो हो जाता अच्छी बात नहीं होता, देखते हैं क्या करते हैं। उसकी बात करते हैं हमारी पेन ड्राइव, ये गिर की जो ये हमारी जो पेन ड्राइव है ये हमारी, उसमें जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत मेरी आ रही है कि हमारी जल्दी बंद हो रही है। और तीसरी बात दिक्कत होगी हमारी ये 8 GB SD कार्ड, मतलब इसमें दिक्कत ही मेरी आ रही है कि इसमें कुछ भी डालना ऑटोमेटिकली डिलीट हो जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम देखते हैं ये कुछ होता है या नहीं होता है, एक बार ट्राई वो भी कर लेते हैं। आम तौर पर SD वारंटी तो होती है हमारे पेन ड्राइव की, ट्राई कर लेते हैं। 20 minutes later. तो गाइज कुछ देर के बाद मेरी सर्विस सेंटर के अंदर होती है मेरी एंट्री। अंदर जब मैं जाता हूँ तो मेरे को बैठे हुए मिलते हैं गार्ड। वो मुझसे बोलते हैं कि आप अपना फोन नंबर और नाम इस रजिस्टर पे लिख दीजिए, अब आप बताइए कि आपको करना क्या है। मैंने बताया कि मेरे को ये पेन ड्राइव और SD कार्ड मेरे को करवाने हैं चेंज। उन्होंने बोला आपकी पेन ड्राइव और SD कार्ड चेंज तो हो जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट चेंज नहीं होंगे, आपको करना क्या होगा, ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पे आप करिए कॉल। इनसे बातचीत करने के बाद आपको एक नंबर देंगे, वो नंबर आपको यहाँ पे आपको दिखाना है, उसके बाद आपको तभी होगा आपका ये नंबर वगैरह जो कुछ भी आपको चेंज करवाना है तभी आपको चेंज होगा प्रोसेस, अभी तो आपको रुक जाएगा। तो मैंने वहां पे कम से कम आधे घंटे के करीब वहां पे बैठा रहा, और कॉल मिलाने के बाद जब मेरे को बात पता चली, आप सुन लो। तो गाइज मेरा सर्विस सेंटर जाना वो पूरी तरह से बेकार, वो इसलिए क्योंकि आप सर्विस सेंटर में सैनडिस्क हो किंगस्टन हो वगैरह सब वहाँ पे एक ही था, सब कॉम्बो वगैरह सब उसके अंदर मिक्स था। तो बात उसके अंदर ये थी कि उसके अंदर उन्होंने पूरी अपनी पॉलिसी कर दी पूरी चेंज। क्योंकि अगर आपको कुछ भी अपना पेन ड्राइव वगैरह या फिर हार्ड डिस्क वगैरह कुछ भी अगर आपको चेंज करानी हो, आप डायरेक्ट लेकर उनके शॉप पे जाकर आप चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि मैं इससे पहले था, 6 से 7 महीने पहले मैं जब गया था, वो इजीली चेंज हो गया था। क्योंकि मैंने एक पेन ड्राइव मेरी थी किंगस्टन की, वो मैं लेकर गया था और उनको मैंने दिया, उन्होंने चेक करा, उनको मैंने रीजन बताया, फॉर्म फिल करके मैंने उनको दे दिया था, और वो उन्होंने मेरे को कम से कम 5 से 4 मिनट के अंदर उन्होंने मेरे को न्यू पेन ड्राइव ला के दे दिया था। लेकिन अब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने अब क्या बोला है कि मेरे पास जो ये पेन ड्राइव मेरे पास जो बचे पड़े हैं ये पेन ड्राइव मेरे चेंज नहीं हुए हैं। और ना चेंज होने की वजह यह है कि उन्होंने बोला है अगर आपने ये पेन ड्राइव खरीदा है तो इसका चाहिए बिल, और मैंने खरीदा था लोकल शॉप से, लोकल शॉप के भैया बिल वगैरह नहीं देता। अगर आप अगर इसे खरीदते हो तो ये दो ऑप्शन आप चुन के रखो, या फिर आप खरीदो इसे ऑनलाइन, ऑनलाइन से आपको ये मिल जाएगा इसका बिल मिल जाएगा, और आप खरीदते हो किसी शॉप से तो शॉप से उसी या मांगो इसका बिल, बिल मांगोगे तो सही रहेगा। क्योंकि अगर आप इसे ऑनलाइन कस्टमर केयर पे कॉल करते हो तो उनको आपको बताना पड़ता है कि मैंने ये पेंडा वगैरह फलान निकाला, ये चीज़ में ये दिक्कत आ रही है, और उसके बाद ही आपको ये पूरी बातचीत करते हो। और यहाँ होता है आपको जो पेंडा है ना इसके बारे में पूरी जानकारी वो लेते हैं, कोई कस्टमर पे कॉल जब करोगे आप तो पूरी जानकारी आपसे लेंगे, इस पे क्या नंबर है, क्या मॉडल नंबर, क्या सीरियल नंबर, सब कुछ आपसे पूछेंगे। और ऐसे में से हुआ तकरीबन मैं वहाँ पे बैठा रहा आधे घंटे से ज़्यादा, वहाँ पे बैठा रहा और मैंने कस्टमर से बात करी, और वहाँ पे मैंने कम से कम 25 मिनट के करीब मैंने वहाँ पे कस्टमर से बातचीत करी। मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे वेटिंग, इतनी लंबी मेरी बात नहीं हुई थी, मेरी लंबी वेटिंग ये थी बात तो मेरी सिर्फ 2 मिनट की थी, और बाकी मेरा 23 मिनट का मेरा था वहाँ पे वेटिंग। मतलब कॉल बहुत ज़्यादा बिजी थी और मुझे वेट 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 करना पड़ा, कोई ऐसे नहीं मेरे को इससे पेमेंट जो कॉल मैंने मिलाई थी कॉल काट के वो भी बिजी जा रही थी, और ये लंबी कॉल थी मेरी 23 मिनट की जो बिजी लंबी कॉल थी, बस अब काफ़ी ज़्यादा मेरे को बिजी रहना पड़ा था मतलब उनके साथ, तो बहुत ज़्यादा मेरे वेट करना पड़ा। उसके बाद जब कॉल उठी तो उन्होंने बताया तो उन्होंने मेरे को एक रीज़न बता दिया कि आपकी पेन ड्राइव तो चेंज हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको जो हमारी पॉलिसी है उनका भी आपको करना पड़ेगा थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट। भैया मैंने सोचा यार कोऑपरेट तो हम कर लेंगे, लेकिन दिक्कत हमें यार ये कि मेरे साथ अपना बिल है चीज़ का, क्योंकि मैंने खरीदी थी जैसी सी बात है लोकल शॉप से, और जिसका बिल चाहिए तो उस शॉप के पास जाओ भैया बिल लेके आओ, मुझे दिक्कत की बात नहीं है। मैं सिर्फ इस वीडियो को जब मैंने आज मैंने बनाई थी, ये सिर्फ एक नॉलेजेबल के हिसाब से मैंने बनाई थी कि आपको कुछ सीखने को मिल जाए कि आप क्या है। मैं थोड़ा सा इन्होंने चेंजिंग वगैरह कर दिया है, मतलब आप डायरेक्ट जाकर आप शॉप पे मतलब सर्विस सेंटर आप जाकर इसे इजीली तो भी आप
एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। मतलब आप सर्विस सेंटर जाने से पहले आपको क्या करना होगा कि आपको जो नंबर वगैरह दिख रहे हैं ना, इन पर भैया कॉल कर लेना। आपके जो किंगस्टन हो, सैनडिस्क हो या फिर आपके एचपी को भी हो, आप इन पर कॉल कर लेना। कॉल करने के बाद आपको जो वहाँ से नंबर मिल जाएगा, उसके बाद ही भैया आपको जाना होगा सर्विस सेंटर। उससे पहले आप पहुंच जाओगे कुछ नहीं, आपकी मेहनत होगी पूरी की पूरी बेकार। आप बिल्कुल भी मत जाना सर्विस सेंटर, पहले आप कॉल कर लेना। कॉल करने के बाद आपको जो पूरी बातचीत आपकी कस्टमर केयर पे हो जाए, उसके बाद ही आपको जाना होगा सर्विस सेंटर। तो इस बात का ध्यान रख लेना, क्योंकि भैया मैं तो पूरा कन्फर्म कर लिया है। मैंने एक तरह से नॉलेज के हिसाब से मेरी वीडियो बनाई थी और आपको कुछ सीखने को इस वीडियो के हिसाब से मिल गया होगा। तो गाइस मेरे को ये लगा था कि मैं वहाँ पे जाऊंगा और इजीली मैं चेंज करवा लूंगा जो मेरी पेन ड्राइव और एसडी कार्ड है, लेकिन उनकी जो पॉलिसी चेंज हुई है ना, यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी दिक्कत मेरे को आ गई है। क्योंकि मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया, मैंने सारी जानकारी ले ली, मैंने उनको बता दी मेरी पेन ड्राइव वगैरह है, एंड में दिक्कत आ गई। उन्होंने जब मेरे से मांगा बिल, मैं तो बिल कहाँ से लेके आऊँ यार, बिल तो मेरे पास है ही नहीं। उन्होंने कह दिया मैं आपको एक मेल कर देती हूँ, आप मेल पे आपको जब बिल मिल जाए उसको मेल का आपको बिल लगाकर और आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन भरकर हमको दोबारा कर देना, आप हमको सबमिट। उसके बाद हम आपको 24 घंटे के बाद आपको बैक कॉल करेंगे। बैक कॉल के से आप ये होगा कि हम आपको बता देंगे कि आपकी चीज़ ठीक है और ओके है, अब आपको नंबर दे देते हैं, अब आप सर्विस सेंटर जाकर अपने पेन ड्राइव या फिर एसडी कार्ड को चेंज करवा सकते हो। तो इतना लंबा प्रोसेस आपको दे दिया है, मतलब ये है अगर आपको कभी कुछ भी पेन ड्राइव एसडी कार्ड वगैरह आपको अगर चेंज करवाना है, मतलब कुछ खराब हो जाता है, वो चेंज करवाने जा रहे हो, तो डायरेक्ट कभी भी गलती से सर्विस सेंटर आप बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आपको वहाँ पर जाना हो जाएगा बिल्कुल बेकार। क्योंकि अब पॉलिसी भी पूरी चेंज हो चुकी है, अपग्रेड हो गई, मतलब पहले इजी था, अब उन्होंने टास्क दोनों बोल कर दिया। क्योंकि मैं सर्विस सेंटर में जब गया था पूरा सर्विस सेंटर खाली पड़ा था, एक या दो बंदे थे, वो भी वो जो बंदे गए हुए थे वो भी बंदे थे, मतलब अपने किसी और काम की वजह से, मतलब मैं वहाँ पर अकेला बैठा हुआ था। आप ये सोच सकते हो कि सर्विस सेंटर में भैया मैं अकेला बैठा हुआ था, वो कोई मैं डायरेक्ट पहुंचा होता वो भी बिना कॉल करे हुए, और मेरी गलती मेरी भी नहीं थी, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम वहाँ पे जाकर बंदे को पता लगा था। और आई होप आपको इस वीडियो से आपको भी पता लग गया होगा कि अगर आपके पास कुछ चीज़ अगर खराब हो जाती है पेन ड्राइव या एसडी कार्ड से रिलेटेड, तो आपको भी इसकी मेथड करना होगा। और नंबर वगैरह आपको मैंने बता दी होंगी स्टार्टिंग वीडियो में, आगे होगा बीच में भी आगे होगा, तो आपको चीज़ पर नंबर कॉल कर लेना कि कौन कौन से नंबर आपको किस पे कस्टमर पर कॉल करनी होगी। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो समझ में आगे होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी ने टॉपिक साथ लगाई, वीडियो को फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी ने टॉपिक साथ लगाई। जय हिंद, जय भारत।